नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक गैजेट पर। दोस्तों, बाइसिकल राइडिंग और बाइक राइडिंग तो हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो हमारी इसलिए खास होने वाली है क्योंकि हम आपकी इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शानदार गैजेट के बारे में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइडिंग में और उसे और भी ज्यादा जॉयफुल बना सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ही जाइएगा और दोस्तों हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर की। गो बाय लिवी। दोस्तों, राइडिंग करते समय फोन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी इम्पोर्टेंट कॉल और नेविगेशन पर्पस हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा ये खास गैजेट जो कि खास तौर पर आपकी राइडिंग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये आपके मोबाइल फोन से वाया ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। आप इसका इस्तेमाल नेविगेशन, कॉलिंग एंड म्यूजिक लिसनिंग पर्पस कर सकते हैं। इसे नॉर्मली आप अपनी बाइक एंड बाइसिकल के हैंडल पर सेट कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन टच सेंसिटिव होती है, यानी कि आप इसे टच स्क्रीन की मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी स्क्रीन को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा गया है ताकि आपका ध्यान उसकी स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट ना हो और आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएं अपनी राइडिंग पर। आप इसको मोबाइल फोन ऐप की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप गूगल असिस्टेंट की मदद से इसे कमांड दे सकते हैं। तो इस तरीके का छोटा सा गैजेट आपकी राइड को और भी ज्यादा सेफ बना सकता है। क्वाड लॉक। दोस्तों, अगर आप अपनी बाइसिकल के लिए एक मोबाइल माउंट की तलाश कर रहे हो तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इस माउंट को खास तौर पर बाइसिकल्स के लिए बनाया गया है जिससे कि वो राइडिंग करते समय भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएं। इसे खास तौर पर एयरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिससे कि राइडिंग करते समय किसी भी तरीके के माउंट में कोई भी दिक्कत ना आए। आप इसमें बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल फोन को अटैच और डिटैच कर सकते हैं। इसके यूजर्स को ध्यान में रखते हुए दो तरीके के माउंट अवेलेबल हैं, एक आउट फ्रंट माउंट और एक आउट फ्रंट माउंट प्रो। अगर आप एक नॉर्मल बाइसिकल राइडर हैं तो आप स्टैंडर्ड आउट फ्रंट माउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाइक से स्टंट करना पसंद है तो आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है आउट फ्रंट माउंट प्रो को। दोनों ही माउंट आपके ऑप्शनल कैमरा अडॉप्टर के साथ आते हैं जहां पर आप राइडिंग करते समय एक छोटा सा कैमरा लगा सकते हैं। ये माउंट आपके फोन को बहुत ही सिक्योरली हैंडल करते हैं ताकि राइडिंग करते समय किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हेक्सागन बाइक कैमरा। दोस्तों, अगर आप अपनी राइडिंग को और भी ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इन हेक्सागन लाइट्स को आप किसी भी स्टैंडर्ड साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये एक सिग्नल लाइट होती हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी राइडिंग के दौरान। इन लाइट्स का कंट्रोल आपके मोबाइल फोन से होता है। इस डिवाइस में बैक साइड पर एक रियर व्यू कैमरा लगा होता है जहां पर आप इसकी फुटेज को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। इस डिवाइस में कुछ सेंसर्स इनबिल्ट होते हैं जो कि राइडिंग टाइम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सेंसर्स आपके राइडिंग जेस्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं और आप जिस तरफ मुड़ने वाले होते हैं उस तरफ के लिए ब्लिंकिंग सिग्नल्स ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके के टर्निंग सिग्नल का इस्तेमाल करके आप अपनी राइड को और भी ज्यादा सिक्योर बना लेते हैं। ये आपको लाइव स्ट्रीम की सुविधा भी देता है, यानी कि अगर आप अपनी राइड को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके वो भी काम कर सकते हैं। जब आप अपनी साइकिल में ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके सेंसर्स ये भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बैक साइड पर स्टॉप का सिग्नल देते हैं। इसमें पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम भी होता है जिससे कि आप अपने बच्चे की स्पीड और उसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। ये गैजेट बहुत ही आसानी के साथ किसी भी बाइसिकल में सेटअप किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी राइडिंग को और भी ज्यादा जॉयफुल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है इसमें। रिंसिन स्प्रिंग। दोस्तों, नॉर्मल बाइसिकल में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए स्टैंडर्ड बाइसिकल की तो वहाँ पर ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं होते। अगर आप उन्हें रफ सरफेस पर चलाते हैं तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा झटके लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इस खास गैजेट का। ये खास सीट स्ट्रक्चर आपके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसे किसी भी स्टैंडर्ड बाइसिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गैजेट आपको फिट रखने में भी मदद करेगा। ये रोड वाइब्रेशन से होने वाले निगेटिव इफेक्ट को एब्जॉर्ब करता है और आपको एक हेल्दी राइडिंग का मजा देता है। जैकी सिग्नल ग्लव्स। दोस्तों, हमारी राइडिंग का सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फिर वो चाहे बाइसिकल राइडिंग हो या हॉवरबोर्ड राइडिंग। सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेलमेट्स का और पैड्स का। लेकिन दोस्तों, आज जो गैजेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपके इस सेफ्टी स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। इसमें हाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी की LED लाइट्स लगी होती हैं जिनका इस्तेमाल आप टर्निंग सिग्नल के रूप में कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी राइडिंग को सिक्योर बनाता है बल्कि अगर आप अपनी जॉगिंग पर जा रहे हो तो इसे अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा क्योंकि इसका
इस्तेमाल करते समय आप अपनी विजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं रोड्स पर। मंकी लाइट। दोस्तों, अगर आप अपनी बाइसिकल को एक अमेजिंग लुक देना चाहते हो तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसमें ये हाई ल्यूमन पावर की कुछ एलईडी लाइट्स होती हैं, जो कि थीमेटिक बेस्ड होती हैं। इन्हें आप अपनी साइकिल के व्हील्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और राइड करते समय ये लाइट्स आपको एक थीमेटिक व्यू देंगी। ये काफी सारे पैटर्न्स में अवेलेबल होती हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इनके पैटर्न्स को चुन सकते हैं। ये लाइट्स चार्जिंग बेस्ड होती हैं, यानी कि आपको इन्हें इस्तेमाल करने से पहले चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों, इन लाइट्स का इस्तेमाल न सिर्फ आप डेकोरेटिव पर्पस करते हैं बल्कि सेफ्टी पर्पस भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके की लाइट आपको रात के समय ऑन रोड विजुअल बनाती हैं, जिससे कि आप अपनी राइड को सेफली एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक को एक अमेजिंग लुक के साथ साथ सेफ्टी देना चाहते हो तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है इसमें। क्लग बाइक रैक। दोस्तों, अगर आपके घर में भी साइकिल को खड़ी करने की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें साइकिल्स काफी ज्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम अपने आप को फिट तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ ये हमें अमेजिंग राइडिंग का मजा भी देती हैं। लेकिन बात जब इनको स्टैंड करने की आती है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से होल्डर का। इसे सेटअप करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। आप किसी भी सरफेस पर इसे आसानी से ड्रिल कर सकते हैं, जिसके बाद इस हुक में आप अपनी बाइसिकल को बहुत ही आसानी के साथ सेट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी बाइसिकल थोड़ी सी स्टाइलिश हो और आप उसे एज अ शोपीस यूज करना चाहते हो तब भी इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा मदद कर सकता है इसमें आपकी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी साइकिल स्टैंड की प्रॉब्लम हो तो इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है इसमें। BTR बाइक बैग। दोस्तों, नॉर्मल बाइसिकल में लगेज कैरी करने के ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन अगर आप इस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से थोड़ा बहुत सामान आप अपनी साइकिल से कैरी कर पाएंगे। ये एक ऐसा बाइक बैग होता है जिसे आप किसी भी साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसमें थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। इसमें मोबाइल फोन को रखने के लिए एक एडिशनली सेक्शन होता है, जहां पर आप मोबाइल फोन को रख सकते हैं। इसके अपर साइड को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, यानी कि मोबाइल फोन रखने के बाद आप इसे ऑपरेट भी कर पाएंगे। अगर आप राइडिंग करते समय हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बैग में एक हेडफोन एक्सेस होल भी दे रखा गया है, वहाँ से आप हेडफोन की कॉर्ड को पास करा सकते हैं। इसमें पावर बैंक रखने की भी सफिशियंट जगह होती है। आप राइडिंग करते समय अपने मोबाइल फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक एडिशनली वाटरप्रूफ कवर मिलता है, जिससे कि बारिश के मौसम में आप अपने बैग को पानी से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का छोटा सा गैजेट आपकी बाइसिकल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, साथ ही साथ ये आपकी राइडिंग को और भी ज्यादा टेंशन फ्री बनाता है। लाउड मिनी साइकिल हॉर्न। दोस्तों, अगर आप अपनी बाइसिकल में एक हॉर्न इंस्टॉल कराना चाह रहे हो तो इस तरीके का गैजेट आपको वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, जो नॉर्मल साइकिल हॉर्न आते हैं वो काफी ज्यादा डल होते हैं, लेकिन दोस्तों ये हॉर्न एक डुअल स्पीकर बेस्ड हॉर्न है। इसकी लाउडनेस काफी ज्यादा शानदार होती है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी स्टैंडर्ड बाइक में कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से किसी भी बाइक में सेटअप किया जा सकता है, और इसका सेटअप आसान होने की वजह से अगर आप चाहें तो इसे एक बाइक से दूसरी बाइक में कभी भी आसानी से लगा सकते हैं। इस हॉर्न में दो तरीके की साउंड्स होती हैं। अगर आप चाहें तो इससे बाइक की या तो फिर कार की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोड सेफ्टी पर्पस इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हैवोर्डिंग बाइसिकल हेलमेट विद एयरबैग। दोस्तों, एयरबैग्स आपने कार में तो देखे ही होंगे, लेकिन दोस्तों बाइसिकल राइडिंग करते समय एयरबैग थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों, आज जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, राइडिंग करते समय हम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन हेलमेट विद एयरबैग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी सेफ्टी को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाएंगे। राइडिंग करते समय आप इस गैजेट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये किसी भी तरीके का अनयूजुअल एक्सीडेंट होने के बाद ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसके एयरबैग्स पूरी तरीके से आपकी हेड सेफ्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, बाइसिकल राइडिंग करते समय एक काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें कोई भी सिग्नल सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें बाइसिकल राइडर्स को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर एक्सीडेंट टर्निंग जंक्शंस पर होते हैं। इससे बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन एडिशनल टर्निंग सिग्नल्स का। इसे इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान होता है। इन्हें आप अपने हैंडल बार्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपके लिए एक टर्निंग सिग्नल की तरह काम करेंगे, और साथ ही साथ ये आपकी विजिबिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं रोड में। इनकी एलईडी लाइट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ये दिन और रात दोनों ही समय में विजिबल होंगी। इन्हें सेटअप करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। इनके साथ आपको एक मैग्नेटिक माउंट भी मिलता है, जिन्हें आपको अपने हैंडल बार पर सेट करना होता है, जिसके बाद इन मैग्नेटिक माउंट की मदद से आप इन लाइट्स को बहुत ही आसानी के साथ सेटअप कर पाएंगे। और जरूरत न होने पर आप इन लाइट को आसानी के साथ डिटैच कर सकते हैं और अपनी की रिंग में बदल सकते हैं। ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड वाटरप्रूफ होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी रोड सेफ्टी प्रेफर करते हो तो इस तरीके का गैजेट काफी
ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। अपसाइड रैक्स। दोस्तों अगर आपको अपनी साइकिल लेकर कहीं पर जाना हो तो इस तरीके का गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी बाइसिकल को कैरी कर सकते हैं अपने कार के रूफटॉप पर। इसे सेटअप करना काफी ज्यादा आसान होता है। आप इसमें किसी भी तरीके की साइकिल को बहुत ही आसानी के साथ अपने कार के रूफटॉप पर रख सकते हैं। इसको बनाने में कार की सिक्योरिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, यानी कि कार ड्राइव करते समय आपकी साइकिल की वजह से कोई भी स्क्रैचेस आपकी कार की छत पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के अमेजिंग गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।